नमस्कार लक्षांश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और एमए एमएससी डीसीए बीबीए सहित सभी सेमेस्टर परीक्षा के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, तो आपको हम यहां पर जो है लेटेस्ट खबर दे रहे हैं। और वहीं आप चाहते हैं कि इसी तरह अपडेट आप सभी को मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके विभिन्न ग्रुप्स में हमारे सब जुड़ जाइए, ताकि आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, नीचे लिंक भी दिया हुआ है ग्रुप का, आप सभी प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर एमए एमएससी डीसीए बीबीए सहित आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे परीक्षाएं जो सेमेस्टर परीक्षा है उनकी रिजल्ट आ चुकी है। तो आज के डेट में आप देख पा रहे हैं 28 मार्च को यहां पर जारी की जा रही है आपकी एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएलएलबी, एमए इंग्लिश जिसमें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है, वहीं क्लासिक प्राचीन संस्कृत की बात करें फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर है, एमए में भी साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, एमएसडब्ल्यू, एमए लिंग्विस्टिक्स, पूरे कोर्स यहां पर 25 कोर्स आप देख सकते हैं। टोटल 25 कोर्स के यहां पर रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा यहां पर परीक्षा परिणाम देखने को मिल रहा है। 100% तो यहां पर प्राचीन संस्कृत में दिख रहा है, वहीं अगर एमए लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो वो भी 100% देखने को मिल रहा है। उसके बाद 93% हम बात करें एमए साइकोलॉजी के जो है छात्र जो तृतीय सेमेस्टर में है उनका यहां पर, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और आप सभी को एक बात बता दें कि अगर आप जो है पुनर्गणना मूल्यांकन की पात्रता आप करते हैं, तो परीक्षा परिणाम की घोषणा के 15 दिवस के भीतर आपको रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग का आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। किस तरह से होती है पहले ही हमने वीडियो डाल चुका है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से आपको जाना है। अपना मार्कशीट जब ओपन करेंगे तो नीचे में ही आपको रिवैल्यूएशन रिटोटलिंग के पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, उस पर बना हुआ है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रिजल्ट पीडीएफ में आया हुआ है, और जितनी जल्दी हो सके तो वो आपके वेबसाइट पर भी यहाँ पर पीआरएसयू के जारी कर दिया जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अपना रोल नंबर जो है कोर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोर्स का यहाँ पर नाम ऊपर में डिस्प्ले किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। और आप सभी को एक और लेटेस्ट खबर दे दूं, कुछ समय पश्चात आप सभी तक ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा वीडियो के द्वारा, कि आपके जो सेमेस्टर परीक्षा जो मई जून 2023 में होने वाली है उसका परीक्षा फॉर्म प्रारंभ होने वाला है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। तो चलिए हम बात करेंगे, इसकी भी 1 अप्रैल से होने वाली है, तो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे नए वीडियो में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।